करे मेरे डैड, मेरा भाई और उनकी वाइफ, तीनों हमें हैरास कर रहे हैं, मार रहे हैं और चाहते हैं कि हमें घर से निकाल दें। और मैं राजेंद्र पीएस से बात कर रही हूँ। पास्ट 1.5 मंथ या थ्री मंथ से हम लोग सफ़र हो रहे हैं, पोल्यूशन चक्कर काट रहे हैं। मैं और मेरी बहन कंप्लेन करे मेरे डैड, मेरा भाई और उनकी वाइफ, तीनों हमें हैरास कर रहे हैं, मार रहे हैं और चाहते हैं कि हमें घर से निकाल दें। और दे वॉन्ट टू टेक द कम्प्लीट प्रॉपर्टी। हम लोग पीएस में कंप्लेन भी करे और अपना न्यूज़पेपर में भी दिए कि हम लोग सफ़र हो रहे हैं। मेरी मॉम 2014 में एक्सपायर हुए, वहाँ तब से हमको ये सब बहुत सफ़र कर रहे हैं, ये लड़का लड़की का डिफरेंट करके। और वो लोग चाहते हैं कि वो घर पूरा उनका हो, हमें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हमें हरास कर रहे हैं और फिज़िकल टॉर्चर भी कर रहे हैं। मैं KCR सर से और KTR सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ हमें हेल्प करें। सर प्रॉपर्टी के लिए सर, मेरी मॉम जान प्रॉपर्टी है, मेरे पापा की है, पर अब मेरा भाई और उनकी वाइफ ये चाहते हैं कि हम लोग इस घर से निकल जाएं, इसीलिए हमको अक्टूबर से हमें टॉर्चर कर रहे हैं और हमें थ्रेटिंग दे रहे हैं कि हमको मार डालेंगे। मेरे को सीढ़ियों से धक्का देके भी गिरा दिए वो लोग, मेरी बहन को मारे, मुझे मारे, हमारे पास जो बेचा कुचा सोना था वो लोग खींच लिए और हम पे भी केस कर रहे हैं कि हमारे पास सोना है और ये चाहते हैं कि हम लोग घर से छोड़ के चले जाएँ, इसलिए टॉर्चर हो रहा है। और इन्होंने ये भी बोला है, उनकी बहू से मैंने दहेज मांगा है और उनकी बहू 7 महीने प्रेग्नेंट थी, मैंने और मेरी बहन ने उसको मारा है एंड शी गॉट अबॉर्टेड। इतना रॉन्ग एलिगेशन लगाया, जबकि उन लोगों ने, तीनों ने मिलके हमको मारा है। हम इतना सफ़र हो रहे हैं पिछले एक महीने अक्टूबर से, लास्ट ईयर से कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हम ही वो लोग मार के, वो लोग होके वो लोग आराम से बैठे हैं। हम, मैं और मेरी बहन इतना सफ़र में, फाइनेंशियली वी आर डाउन, वी हैव नथिंग, वी डोंट हैव माय फैमिली, मतलब मॉम नहीं है, पिता है जो हमें हेल्प नहीं कर रहा है, भाई है जो हमें मार रहा है, उसकी वाइफ भी मिलकर मार रही है, वाइफ की मतलब मेरे भाई की वाइफ और उनकी मॉम जो लड़की के साइड है, वो लोगों ने मेरे डैडी को और मेरे भाई को क्या उन्होंने थ्रेटनिंग दे रखी है, क्या है क्या है कि तब से ये लोग हमारे पीछे पड़े कि घर छोड़ के चले जाओ। और ये लोग हमें चाहते कि दे वॉन्ट अस टू लीव द हाउस। कहाँ पर है ये आपका? हमारा ये बल्लागोड़ा जागीर में आता है, सन सिटी काली मंदिर। कितना है ये बिल्डिंग है आपका? 200 स्क्वायर यार्ड्स का है, ग्राउंड प्लस 2 पेंट हाउस है उसके ऊपर। शुरू से वहीं रह रहे? हाँ, शुरू से वहीं रहे। तो अब क्या कहना है आपके डैड का? डैडी कहते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, निकल जाओ इस घर से। पर जब पुलिस स्टेशन में आते तो बोलते हैं नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, पूरे डिफरेंट वर्जन रहता है। पर घर में जो चार दीवारी के बीच में हो रहा है किसी को नहीं पता, वो हमें लिटरली मार रहे हैं, बोलते हैं कि तुम लोग हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, मॉलिस्टेशन कर रहे हैं, लिटरली तीनों मिलकर हमें मार के हमारे कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। जबकि उनका खुद का बेटा इतनी लड़कियों से घूमता था, मेरे डैडी दूसरी शादी करना चाहते हैं, हम उनके लिए रोड़ा है कि हमकी शादी नहीं होती है, हो पा रहा है। तो दे वॉन्ट टू थ्रो अस आउट। और वो घर नेल्लूर में उन्होंने घर बना रखा है, इसकी बाइक लेके बिना बताए इसकी बाइक लेके एक्टिवा लेके चले गए हैं और उनका नेल्लूर में घर है। नाउ ही वॉन्ट टू गेट शादी करके ही नहीं है, ये जॉब नहीं करती है ना, मेरे पास पैसे हैं। मैरिड हो? हाँ, वी आर नॉट मैरिड ना ही हम, उन्होंने कभी हमारी कोशिश की है शादी करने की। और सबको ये पब्लिसिटी करके रखा हुआ है कि हम दोनों शादी नहीं करना चाहते और हमने आज तक एक रिश्ता लेके नहीं आए हैं। एक ही रिश्ता लाए, एक बुढ़े को लेके आए थे जिसकी 7 बहनें हैं, चाहते कि मैं उसे शादी करूं। और सबको ये बोल के रखा है कि मैंने सबसे मना कर रखा है, मैं शादी नहीं करना चाहती, ना ये करना चाहती है। बेसिकली पूरे बिल्स, करंट बिल, सब कुछ इतने सालों से मैंने टेक केयर किया है, ना वो चाहते हैं कि हमें घर, हमने कुछ भी नहीं किया। पुलिस से क्या रिस्पॉन्स मिला आपको, क्या बातचीत हुई? प्रॉपर रिस्पॉन्स तो नहीं है, हम लोग बहुत चक्कर काट रहे। शादान हॉस्पिटल में हमारा MLC हुआ था, वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, उन लोगों ने रॉन्ग एंट्री करके हमको बोला कि हम एब्सकॉन्ड है, जबकि हम वहाँ बैठे हुए थे। अब हमें, मैं चाहती हूँ, हम सिंसियर रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं KTR सर से और KCR सर से, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमारा आगे पीछे कोई नहीं है। पुलिस हाँ, आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को लेके, बट आई एम रियली हम्बल रिक्वेस्ट। कुछ आपकी नहीं सुन रहे हो लोग? हाँ, हम बहुत घूम रहे हैं पिछले 3 महीनों से। क्या चाहते? हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमें भी इक्वल राइट्स है उस घर में रहने का। हमारे पास पैसे नहीं, अगर मैं शादी करके जाऊंगी तो मेरी बहन रोड पे आ जाएगी, वो लोग उसको जिंदा मार जाएंगे। प्रॉपर्टी आज आप खुद देख सकते हैं कितने लोग मर जाते हैं, प्रॉपर्टी मार डालते हैं, खून खराब हो जाता है प्रॉपर्टी के लिए। मैं चली गई तो वो अकेली रह जाएगी, उसको भी घर से निकाल के मर जाए, वही घर में रहना और कुछ भी। हमको हमारे जीने दो, खुशी से आप खुशी से रहो, हमें खुशी से रहने दो, हम नहीं चाहते। और हमको, हमें इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, हमें भी अपना शेयर दो। राजेंद्र पुलिस स्टेशन से बात कर रही हूँ, मैं हैदराबाद MP और CP सर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ
क्योंकि हम लोग पिछले 1.5 साल से सफ़र कर रहे हैं और पिछले अक्टूबर से तो कुछ ज़्यादा ही हम पे फिज़िकल वायलेंस हो रहा है, मार रहे हैं, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, हमें जीने नहीं दिया जा रहा है। हमने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में रिक्वेस्ट की है, 4 बार कंप्लेंट हो चुकी है, हमारी FIR तक भी हो चुकी है, पर हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, नहीं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम मर जाएँ। ना हमारी मॉम है हमारे देखने के लिए, उनका 2014 में एक्सपायर हो गए हैं, मेरे पापा हमारे जीना हराम कर रखा है, और मेरा भाई हम चाहता है कि वो पूरा प्रॉपर्टी लेके हमें घर से निकाल दे। हम रिक्वेस्ट कर करके थक चुके हैं, प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे पास हमें हेल्प करिए, मेरी बहन को हेल्प करिए, शी नीड योर हेल्प, वी नीड योर हेल्प सर, प्लीज़ काइंडली कंसिडर इट, वी आर सफरिंग ए लॉट 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 सर, एंड दे आर पुटिंग अस फॉल्स एलिगेशन स्टेटिंग दैट हम तुम पे फॉल्स केस करके, मेरी बीवी पे तुमने डाउरी केस करके, या तुम्हें मेरी बीवी को मारा है और उसका अबॉर्शन हुआ है, जबकि हम ये सब रॉन्ग फॉल्स एलिगेशन है सर, ये हमको धमका के और हमें मारने की कोशिश किया जा रहा है, प्लीज़ आप प्लीज़ कंसिडर किए सर, हम 2-3 दिन से खाना नहीं खाए, रोड पर पूरे पुलिस स्टेशन में घूम रहे हैं। Z3 ओवरसीज पिछले कई सालों से बेहतरीन सर्विसेज के साथ हज और उमरा के पैकेजेस के अलावा तमाम कंट्रीज के स्टूडेंट वीज़ा, विजिट वीज़ा की सहूलत, हैदराबाद व दीगर लोगों का भरोसेमंद नाम, सिर्फ और सिर्फ Z3 ओवरसीज एंड कंसल्टेंट्स। IELTS और PTE क्लासेस की सहूलत तो जल्द ही, राब्ता करें Z3 ओवरसीज पर। हमारा पता है हीरा बैंकेज हॉल 3rd फ्लोर, शाह हाउस होटल के करीब, शालीबंडा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट करें 9998560190 पर।